ग्राफिक्स ज्ञान में आप लोग को स्वागत है। तो आज फोटोशॉप का एक नया ट्यूटोरियल लेके आपका पास हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं जो नया ट्यूटोरियल आप लोग को दिखाने जा रही हूँ वो है एक लीफ कलर इफेक्ट। तो देखिए ये वाला इमेज मैं ओपन करके रखी हूँ मेरा फोटोशॉप फोटोशॉप में। तो देखिए ये वाला इमेज ये लीफ कलर कैसे करके मैं फोटोशॉप में चेंज किया तो वो मैं देखने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरा ट्यूटोरियल। सबसे पहले देखिए हमारा स्क्रीन पर मेरा फोटोशॉप को मैं ओपन करके रखी हूँ एंड एक लीफ इमेज भी मैं इंपोर्ट करके रखी हूँ। तो ये वाला इमेज लीफ इमेज को कैसे करके कलरिंग करने होगा वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले देखिए ये वाला इमेज ओपन हुआ एंड देखिए ये वाला लेयर लीफ का जो लेयर है लेयर लॉक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये लेयर को अनलॉक करने होगा। तो अनलॉक करने के लिए देखिए ये लेयर का सिलेक्ट करके मैं डबल क्लिक किया देखिए न्यू लेयर बॉक्स ओपन हुआ है। मैं ओके बटन में क्लिक किया तो देखिए वाला इमेज अनलॉक हो गया। तो इसके बाद हमको एक डुप्लीकेट कॉपी करने होगा। तो डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए देखिए मेरा कीबोर्ड का मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो देखिए एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गया। तो इसके बाद टॉप लेयर को सिलेक्ट करके हमको लिप को सिलेक्ट करने होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए हम लिप इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो देखिए मैं जूम टूल सिलेक्ट किया जूम टूल सिलेक्ट करके जस्ट माउस माउस को लेके इमेज के ऊपर जस्ट क्लिक किया तो देखिए मेरा इमेज बड़ा हो गया। तो इसके बाद हमको लिप को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए इधर मैग्नेटिक लैसो टूल है तो जस्ट मैग्नेटिक लैसो टूल मैं सिलेक्ट किया तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट किया फिदर 0% रख के देखिए इमेज को हमको सिलेक्ट करने होगा। तो देखिए जस्ट माउस को क्लिक करके मैं लीव इमेज को मैं सिलेक्ट किया तो देखिए सिलेक्ट हुआ। जस्ट माउस को लेकर देखिए क्लिक करके मैं लीव इमेज को मैं सिलेक्ट हमको लीव इमेज को मैं हमको सिलेक्ट करने होगा। तो जस्ट देखिए माउस को क्लिक किया देखिए सिलेक्ट ऑप्शन आ गया एंड लीव इमेज सिलेक्ट हुआ। देखिए लीफ इमेज सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जस्ट माउस को लेके मैं क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्शन हो गया। देखिए ये वाला इमेज सिलेक्शन हो गया। तो सेम प्रोसेस ये वाला लीफ को मैं हमको सिलेक्ट करने होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए इधर ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट किया देखिए ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन में सिलेक्ट करके देखिए जस्ट ये वाला लीफ को मैं हमको सिलेक्ट करने होगा। जस्ट देखिए माउस को प्रेस किया तो देखिए सिलेक्शन ऑप्शन आ गया।
स्लीव इमेज सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद हमको ये वाला इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए जस्ट क्लिक किया तो देखिए इमेज सेट हो गया। तो इसके बाद टॉप लेयर को सिलेक्ट करके देखिए हमको लीव कलर चेंज करने होगा। तो चेंज करने के लिए देखिए हम इमेज पे जाऊंगी, इमेज से मैं एडजस्टमेंट से देखिए कलर बैलेंस ऑप्शन में मैं क्लिक किया तो देखिए कलर बैलेंस का एक बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए इधर कलर मैं चेंज करने के बाद देखिए इधर लीव कलर चेंज हो गया। तो जस्ट देखिए हम ये वाला कलर चेंज किया तो देखिए इधर लीव कलर आ गया। तो थोड़ा सा डीप करने के लिए देखिए येलो ऑप्शन को मैं देखिए इधर लेके गया तो देखिए इधर लीव कलर चेंज हो गया। तो देखिए येलो ऑप्शन को मैं जस्ट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए इधर देखिए लीव कलर रेड ऑप्शन को मैं प्लस 100 रखी हूँ एंड देखिए इधर कलर हो गया। एंड टोन्स बैलेंस है मिड टोन्स ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके देखिए ओके बटन में क्लिक किया तो देखिए इधर लीफ कलर चेंज हो गया। तो इसके बाद ये वाला जो सिलेक्शन है सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए देखिए हमको मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो देखिए डी सिलेक्ट हो गया। तो देखिए एक लीफ कलर इधर चेंज हो गया एंड फोटोशॉप में मैं क्रिएट किया। तो आज मैं बोला था जो लीफ कलर कैसे करके मैं फोटोशॉप में चेंज किया तो देखिए ये वाला इमेज को मैं चेंज किया एंड फोटोशॉप में कैसे करके चेंज किया वो मैं दिखाई दिया। तो इसके बाद हमको ये वाला इमेज को मैं सेव करूंगी तो सेव करने के लिए मैं फाइल पे जाऊंगी। फाइल से मैं सेव बटन में क्लिक किया, डेस्कटॉप में सेव करूंगी फॉर्मेट जेपीजी ऑप्शन रख के। देखिए इधर एक नाम देने होगा तो मैं नाम देके सेव बटन में क्लिक किया तो देखिए जेपीजी ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हुआ है। मैं ओके बटन में क्लिक किया तो मेरा डेस्कटॉप में मैं इमेज सेव हो गया। जस्ट ओपन किया देखिए वाला इमेज लीफ कलर चेंजिंग जो मैं फोटोशॉप में क्रिएट किया। तो दोस्तों आज यही था मेरा ट्यूटोरियल। तो मेरा आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड कॉमेंट कीजिएगा प्लीज। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर भी मुलाकात होगी, तब तक लिए गुड बाय, नमस्ते।